क्या बात है, आज तो खुद ही काम कर दिया, सारा भग भग का काम कर दी। कुछ तो बात है, चलो कोई ना, अच्छी बात है। रोज काम करेगी तो ऐसे रोज काम करेगी, माँ भी खुश रह करेगी। लाओ टांग सीधी कर लो, लाओ थोड़ा आराम मिल जाएगा, तुम्हारा पैर दबा दिया। आज कैसे, आज कैसे इतना प्यार, क्या करके रहेगी? तुम्हें पता है आदमी की सेवा करना औरत का पहला फर्ज रहता है। तो तुझे कभी कभी फर्ज याद आवे, कुछ तो बात है। तुम बात बता, क्या बात है? तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे लिए गर्म पानी भी रख दिया है, तुम्हें अपने हाथ से नहलाऊंगी आज। हाथ से नहला दिए, पर बात तो बता, क्या बात है? आज मेरी बेटे की सेवा में कैसे है? लगता है सूरज उल्टा निकल रहा। देखो जी, वो मुझे ना बोल बोल, मुझे ना क्या? मुझे ना 2 सोने की चूड़ी बनवा दो। क्या मेरे को जुगाड़ ना, मैं कहा दूं सोने चूड़ी, तेरे बाप देगा सोने की चूड़ी। बस बस, मुझे पता ही तेरी कितनी सेवा कर लूं, गधे। जब भी तेरे ऊपर बोरा रखूंगी तू नाटेगा ही। एकदम तू तड़ाक पे आ गई, हराम जाती। नाटने क्या बात है, किसकी बहुत सोनी चूड़ी पे दी हमें बता। धर्मवीर ने बनवा दी, शीला के आदमी ने, खूब पैरे फिरे, सुंदर लगे। तू नहीं चाहता मैं सुंदर लगूं? अरे तू छोड़, बांध बनवा दूँ अभी भी होत ना, ले तू पैदवान चल रख। ओ मतलब से दबावे मेरे छोरे के पैर, कल मुई मेरा दबावे गुट्ठा, बस पैर दबाने आवे बियोत ना मेरा। अच्छा जान, गुस्सा मत हो, फिर बनवा देना चूड़ी, मुझे एक सूट तो दिलवा लाओ चल के, जिसे पहन के मैं मलूक सी लगूं। अरे हट, तू तो कौन सी कहवे जो सूट पहन के मलूक लगे, मुझे तो ऐसी मलूक लग रही। शीला ने भी बनवाया सूट, खूब सुंदर लगे, तू नहीं चाहता मैं भी खूब सुंदर लगूं? शीला का भी तो आदमी है। शीला शीला शीला, इतने सूट तेरे पे 2 दिन पहले तो लाई थी। ठीक है, ना तेरे पैर दबाऊं, ना तेरा सिर दबाऊं, और ना करूं तेरी उस महतारी की सेवा, मैं तो चली अपने घर को। हाय राम, कैसी बोवे, बिल्कुल नहीं डर रही। ठीक है ये ले पैसे, कितने का आएगा? 1000 है, वैसे तो 1500 का था, पर मैं तो 1000 में ले आऊंगी। हाँ ठीक है, ले आइयो। आई लव यू मेरी जान। अरे आराम से बोल, माँ सुन ले तो क्या कहेगी। कुछ भी कहो, तू तो मेरी जान है जान। हाँ ठीक है, मैं तो सूट लाऊं जाके। हाँ जलिया। ओ मेरी जान। अरे इतना मस्त मत लगा, लिया जा, हर वक्त इतना पैसा खर्च करती रहे, मेरी से नाती, कहाँ से लाऊं इतना पैसा? अब आ भी जा, मैं बड़ी रहेगी। आ रही हूँ। ठीक है जान, सूट लेके आऊँ मैं तो, मैंने तो जूते भी पहन लिए। मैं भी चलूँ? ना, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी माँ जाना क्या कहेगी, मैं तो जा रही हूँ। हाँ ठीक है, लिया जा। हरसू के बच्चे, क्या हो रहा है ये, कहाँ गई हो? अब क्या हुआ, तुझे कुछ बात कहनी, तू भी बोल। बेटा ये हरामजादी तुझे कितना ठगती है, तू कब सुधरेगा? तुझे पता ना, वो ठगती ना, पर वो तो डिमांड ज्यादा करे। अरे मजनू, तू इसकी बातों में आएगा ना, एक दिन ना तुझे ही बेच देगी ये। अरे माई, तुझे पता ना इसकी सेवा की। इन बातों में कुछ ना रखा बेटा, एक दिन तेरी टाट पे चढ़ के झाड़ू मारेगी ये। सबसे मंदा सूट लाऊंगी और महंगा बताऊंगी। माई छोड़, अब तो लेगी वो, ले जान दे फिर देखेंगे। हम तो तुझे समझा रहे, तू तो बार बार यही कहता रहे, आगे तेरी मर्जी। अच्छा माई ये बता, तेरी पेंशन कब मिली है, मेरे पैसे खत्म हो गए। पेंशन तो तैयार है, चल ला मैं मोटरसाइकिल निकाल। ठीक है, मैं मोटरसाइकिल निकाल कर लाऊं। भैया। हाँ जी। मुझे सूट दिखा दो। मैडम कैसा सूट दिखाएं आपको? मुझे ऐसा सूट दिखा दो जो 100 रुपए के 3 आए। मैडम 100 के 3 तो बच्चों के पोतड़े भी नहीं आते। तो कितने का दोगे, तुम तो लड़ने लगे। मैडम तो बात ही ऐसी कर रही हो, मेरे पास कम से कम 250 का सूट है, इससे कम नहीं है। अच्छा तो दिखाओ। ठीक है दिखाते हैं, देखो ये है 500 का, ये 800 का है, ये 1200 का है। भैया ये मेरे बजट से बाहर है। और ये 250 का, ये 250 का सिंगल पीस है बस। अब देखना क्या, दे दो मंदा सा।
भैया इसके सही पैसे लगा। मैडम लेना लो, इससे कम नहीं है, एक ही पीस है बस। ठीक है तो इसे दे दो। लाओ दो मैम। लो भैया लीजिए मैम बाकी पैसे। लो मैम। हे भगवान, कम से कम बोनी तो हुई। किस कमबख्त इलाके में दुकान खोल रखी है मैंने। भैया जल्दी आ। सूट तो मैं अच्छा लिया ही। मैं तो सोच रही थी तू मुझे फटफटिया पे लेकर चलेगा। चल मैं जल्दी चल, मेरे पैसे खत्म हो गए। तुझे पैसे दे दूं और तू उस पे उड़ाता रही है। बैठ मैं बैठ। चल दिया फटफटिया लेके, और ये मेरा सूट कौन देखेगा? इस कलमुई ने फिर टोक दिया। काले मुंह की टोक दिया ना, मैं बैंक लेके जा रहा हूं। कितनी बार कह लिया, जब घर से लिगड़ा है टोका टाकी मत करा करो। तेरा भी फैसला जल्दी करूंगी भुंडी सिकल की। हाँ हाँ कर दियो फैसला, और तू सुन ये सूट देख के जा। हाँ ठीक है, ये ले आके सांग देखूंगा। शाम को देखेगा, अभी देख के जा। तुझे पता है 1100 रुपए का लाई हूँ। क्या 1100 रुपए का? मुझे लगता तो ना इतना महंगा। आई 1100 का? 1100 रुपए का तो ना आयो सूट। 100 रुपए के सूट आवे हैं ये। 100 रुपए का आयो सूट? आए हाय, इस जमाने में सारे दुकानदार ठगी बैठे, इसका मतलब मैं तो उसने ठग ली। अरे हमें क्या पता तू दुकानदार ने ठग ली या तू हमें ठग रही है। मैं छोड़, ठगली ठग लें दे। चल बैंक में, बैंक बंद हो गए, पेंशन मिलेगी। बैठ माई। बुढ़िया समझ गई, इसका मतलब कुछ ज्यादा झूठ बोल दिया आज मैंने। कोई बात नहीं, अभी और दिहाड़ी बनाती हूँ। कवाड़ी वाले नाज बेक लो, भूस बेक लो, चावल बेक लो। कवाड़ी वाले लोहा लंगड़ प्लास्टिक कूड़ा गेहूं बेक लो। कवाड़ी वाले कवाड़ी वाले कवाड़ी नाज बेच लो रे, कूड़ा गेहूं बेक लो। कवाड़ी वाले कवाड़ी वाले कवाड़ी कवाड़ी वाले कवाड़ी कवाड़ी वाले कवाड़ी आपकी गली में आ गए कवाड़ी वाले कवाड़ी। अब ऐसा कौन सा बहाना लगाऊं जो पैसे भी बच जा और इन दोनों माँ बेटों को पता। कवाड़ी वाले गेहूँ चावल, कवाड़ी वाले नाज बेच लो, चने बेच लो, भूस बेच लो, चावल बेच लो। कवाड़ी वाले नाज की टंकी तो भरी धरी है, एक बोरी बेच देती हूँ, इन दोनों को क्या पता लग रही है। कवाड़ी वाले कवाड़ी कवाड़ी वाले ओ भैया तुम क्या क्या खरीद, तुम बताओ तुम्हें क्या बेचना। हम सब खरीद लेंगे, लोहा लंगड़ प्लास्टिक हम तो तुम्हें भी खरीद लेंगे, अपना रेट बताओ। हमें कबाड़े में नहीं बिकना, नाज ले लोगे? हाँ ले लेंगे, लेके आओ। एक बोरी नाज दूंगी। ले लेंगे, लेके आओ। तुम यही रुको, मैं बोरी भर लूं, तुम्हें बुलाने आऊंगी। हाँ ठीक है। ठीक है तो मैं बोरी भर कर आती हूँ। भर के लाओ। अरे उस्ताद इसका क्या करोगे? छोटे मजा आ जाएंगे तेरे। उस्ताद एक बोरी नाज दे रही है। छोटे बढ़िया है, मजा आएगा आज तो। बड़ी मुर्गी मिल गई। उस्ताद बहुत देर हो गई, अब तक आई नहीं। अरे आ रहे हो नहीं आ रहे, या जाएं हम? आ तो गई, आ तो गई। भैया बोलो बोलो। एक काम करो, बोरी तो मैंने फुल भर दी है, तुम उठवा दो चल के। चल ले चल चले। चलो उस्ताद, उस्ताद आओ। चल आ जाओ उस्ताद, उठाओ, उठ भी नहीं रहा उस्ताद, नाच ज्यादा भारी है। चलो चलो उठाओ उठाओ, सही से उठाओ उस्ताद। मेरा छोटा गिर गया, अरे अरे गिर गया, गिर गया। अरे मैडम कैसे इतना भारी क्यों भर दिया तुमने? ओ भैया उठाओ, पैर पे ना उठ रही है।
उठा छोटू उठा उठाओ उठाओ चल बेटा उठा उठा लो उस्ताद चलो चल बेटा चल उस्ताद चलो चलो चल बेटा चल जोड़ लगा चल 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 जल्दी कर। वाह मैम ये 50 किलो का समथिंग है, मैं आपको 500 दे सकता हूँ सिर्फ। ओ भैया इतना सस्ता, मैं ना देने वाली। मैम ज्यादा से ज्यादा आपको 600 दे सकते हैं, इससे कोई फालतू नहीं देंगे हम आपको। तुम्हारी ना मेरी, 700 दे दो। 600 लेने तो लो, नहीं तो उठाओ सामान अपना ले जाओ। ठीक है भैया 600 रुपए दे दो तुम। ठीक है लो मैम। भैया तुम वही हो ना जिसकी दुकान से मैं सूट लेके आई थी? पहचान लिया। हाँ क्या हुआ तुम्हारी दुकान का? दुकान तो मैंने बंद कर दी, मैंने बड़ा काम कर लिया। अच्छा तो तुमने बिजनेस बढ़ा लिया अपना। मैं दुकान बेचूंगा, कोई ले तो बता दियो। ठीक है भैया अब तुम जल्दी निकल जाओ। ठीक है कवाड़ी वाले। ओ भैया यार रोड़ा क्यों मचा रहे हो, जाओ जल्दी। चल। कवाड़ी वाले कूलर पंखा रद्दी अनाज चावल चने सब बेच लो। कवाड़ी वाले अजी मिल गई पेंशन। पेंशन तो मिल गई पर ये गेहूं कैसा बिखर रहे हैं आंगन में? गेहूं कहाँ है गेहूं? हमें तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे गेहूं। तेरी आँख है टमाटर, गेहूं दिखाई ना दे रहे तुझे। असो ये गेहूं तो है, कहाँ से है गेहूं बता। गेहूं खेतों में खड़े हैं, पक्षी ले आए होंगे गेहूं। गेहूं की फसल है अब, गेहूं तो पूरे देश में भी कच्चे खड़े हैं। तू तो मुझे ऐसे देख रही है जैसे मैंने तेरे पीछे गेहूं बेच दियो 600 के। देख लो तुम्हारी माँ क्या क्या बोल रही मुझे। अभी तो मैंने कुछ बोला भी ना। अगर मैंने तुम्हारा एक भी दाना बेचा हो तो मैं तुम्हारी सजा की हकदार हूँ। चुप हो जा माई, तुझे कुछ कुछ कहती रहे। ए मरो परेकू। देख रहे हो तुम, तुम्हारी माँ मुझ पे शक कर रही है। कोई शक ना करो तेरे पे, रोटी दे माई को, पैसे मिल गई। रामजादी ने मेरे घर का भी नाश कर रखा, मेरे बेटे को भी अपने बस में कर रखा, मेरे घर का नाश करके रख दिया। पता ना क्या क्या बेका होगा मेरे से पीछे। हराम जादी ने। ए माई तुम्हें वो पे शक करते है खा मखा की? बेटा मैं शक ना करती, मुझे पूरा पक्का यकीन है। तू इसे घर से निकाल दे, हमें ना चाहिए यो। ए माई कैसी बात करे, एक तो घर की इज्जत करे और मैं पाऊं दबा तो दबो ने पाऊं। मुझे ना सेवा कराने की जरूरत, तू ही बैठा ले टाट पे। अरे तू तो खामखा नाराज होगी। नाराज कैसे ना हूँ, जब ये जलालू को हमारा बिटोड़ा बेच सके, बुंगा बेच सके, बरसी बेच सके, इसका विश्वास कैसे कर लूँ? अब मैं क्या करूँ, मैं तो मरना हो गया तेरे उसके बीच में, मैं तो फंस गया। अरे जा तू अच्छी के धोरे चला जा, ना मुँह तेरा ही पिट जाएगा। मुझे थोड़ी देर बैठ लेने दे। ठीक है बैठ। देखूंगी टंकी कितनी खाली कर दी। रामजादी ना कुछ तो करा। गेहूं कहां से आ गई बगड़ में? भाई पता नहीं क्या-क्या सोचते रहे बे। मुसी राम राम। रिश्तेदार राम राम। क्या हाल है? राम राम। आज कैसा ना हुआ? सब ठीक ठाक? हाँ ठीक ठाक। क्या बस हंसो बहन ने खबर करी, मेरे पे रुका नहीं गया, मैं दौड़ा चला आया। और मुसी कैसा नाराज सी है? छोड़ तू इन बातों को, तू बता क्या खाएगा। भैया तू आ गया? हाँ बहन मैं आ गया। तू इन्हें छोड़ अंदर आ, मैं तेरे लिए पेप्सी मंगाऊंगी। चल बहन चल, तूने यू ठीक करा। पेप्सी पिला रही है, हमारे पानी में कुछ थी। यहाँ बैठ मैं तेरे लिए कुछ लेके आती हूँ। ठीक है देखा कैसी इज्जत में हमला करवा रखा तन्ने हमारी, और हमें सुना के नू कह रही है आजा भैया पेप्सी पिलाऊंगी। हाँ माई सही कह रही है, सारा खा लिया था एक दिन के लिए भी ना लाया। ले भैया रोटी रखी है तू पी ले। अरे गिलास तो ले आती। अरे पूरी पी जा, ये बुढ़िया बहुत बदतमीज है। ले
पीजा पीजा। बेटा मुझे ऐसा लगा है इसने अपना भैया इसलिए बुलाया, पैसे लत्ते यहाँ से दे दे, वह पियर पुचा रही है, अपनी माँ का भरना भर रही है, इसकी राड काट दे। माई ऐसी तो लगती ना, अच्छी है बहू। बेटा इससे अपना पीछा कटा ले, किसी दिन रंगे हाथ पकड़ के दिखाऊंगी तुझे, तब यकीन आएगा तुझे। माई मुझे तो तू भी ऐसी लगे, माई तू समझेगा, संग मत करा कर। बता दूंगी बेटा, थमा रहा है अभी, बता दूंगी। ठीक है माई। बेटा मान ले मेरी बात को, समझ जा। ले मौसी अपनी भेंट ले, मैं तो चलूं। चल दिया बेटा। हाँ मौसी। अरे मैं तो तेरे लिए रोटी बनाऊं थी, खा के जाता ना। मौसी चलूं, काम भी बहुत है और वो बहन जी का फोन आया इसलिए मैं आ गया। एक बात बताइए बेटा, आया तू खाली हाथ और भर के लिए चल दिया थैला, देखा हरसू कहना रही थी मैं। हाँ माई क्या तो ठीक रही थी। हरसू ये तेरा साला जा रहा, कदी फेर के वह मिल के ना गया। माई मैं कुछ समझा नहीं। अरे मुँह देख थैले में क्या ले रहा। हाँ भाई थैले में क्या ले रहा। ओए थैला ना दिखाऊं मैं। हाँ भैया थैला ना दिखा दियो, थैला हमारा है। थैला तो दिखाना पड़ेगा, मायने कही है। हम तो देखेंगे, हमें विश्वास ना। इसमें ना कुछ भी। जब इसमें कुछ भी ना तो थैला कैसा फूल रहा। लाली को बता, लाली बताती क्यों ना मेरी खड़खड़ बेइज्जती करवा रही है। अरे इसमें ना है कुछ भी। माई क्यों नाराज हो रही है, फटे पुराने कपड़े हो गए। मैं क्या नाम लेके कह रही हूँ, इसमें कुछ है दिखा। दिखा दे भैया तू, चुप क्यों खड़ा है। ये तो ऐसे बोल रही है जैसे मैंने अपनी माँ को लड्डू पेड़े बांध दियो, हमेशा शक करती रहती है मेरे पे। बहन ये तो खड़ी बेइज्जती होगी, मैं आज के बाद ना हूँ तेरे घर पे। माई ये मैं साला, मैं से अच्छे जानू, चोर गुंडा लफंगा बिल्कुल नहीं हो सकता। अच्छा है, बहुत अच्छा है। जब यो अच्छा तो थैला खोल के क्यों ना दिखा रहा। मैं दिखाने वाला नहीं। हाँ भाई दिखा दिखा, जब मैं बोले दिखा हम भी देखेंगे। भैया दिखा दिखा, इन्हें थैला खोल के इनका बहम मिटा दे। मैं दिखाने वाला नहीं, इसमें तो हमारी सरासरी बेइज्जती हो रही है। दिखाने तो पड़ेगा थैला। मैं बिल्कुल नहीं दिखाऊं थैला वाला। अरे दिखाऊंगा क्यों ना, दिखा। मैं दिखाने का थैला वाला। अरे कूड़ा लेकर जा रहा है, देख लिया घर का ही कूड़ा है, तुमने तो कभी देखा नहीं होगा, अब मुझे फिर झाड़ू लगानी पड़ेगी। तो फिर क्या, मैंने सोचा भैया तो जा ही रहा है, कूड़ा भी लेते जाएगा, पर तुम मुझ पे शक करते रहो। भाई चुप हो जा, हम ना कर सकते पे। अगर ऐसे चलता रहा तो एक दिन मैं अपने घर चली जाऊंगी। हम तो चाह है चली जा, हम तो दूसरी शादी कर लेंगे अपने लड़के की। सुन लो मैं तो घर की बात घर में रखना चाहूँ, थारे ताने सुन सुन के भी। भाई नीरा मैडम मेरे अंडो रखेगी। ओ भाई तू जा, हम तो बेच परेशान है, इस कूड़े को ले जा। मैं क्यों लेके जाऊँ से, अपने कूड़े को अपने आप घेर लियो। मेरा भैया कितना समझदार है, भर ले कूड़ा भर ले, ला मैं भरवाऊँ साथ में। चल बहन। भैया ये जितना भी कबाड़ आया ना, इसे बेच के जितने भी पैसे आए तू मेरे अकाउंट में गेर दियो। ठीक है पर मैं अपना इसमें से किराया काटूंगा। हाँ ठीक है काट लियो। ठीक है आराम से जियो भैया, माँ से राम राम कह दियो। ठीक है कह दूंगा। भाई क्या सोची तो? बेटा मैं नू सोच रही, अब रखू ना मैं इसे अपने घर, मुझे विश्वास ना। हसू है घर में? हाँ भैया आजा। बैठो भाई बैठो बैठो। कैसे आए भैया? बात ऐसी है, आपकी बहू से बात हुई थी दुकान बेचने के लिए,
साड़ी की दुकान, उन्होंने बताया था जब बेको तो हमें बता देना, उसकी बात करना है आपसे। भाई ये बात ठीक है, पर हमारे इतने पैसे कहाँ? उसका क्या, वो तो ऐसी जुबान चला हुआ है, जितने कितने पैसे वाली हो। इतनी महंगी ना जी तुम समझ रहे हो, मुझे दूसरी जगह करनी है, मैं तो भाई भराई दे दूंगा। तुम्हारे फायदे की है, भाई भराई है, मेरी बात मानो, अच्छी रहेगी आपके लिए। क्या बात चल रही है मुझे भी बताओ। और बात ही क्या, यो भाई अपनी दुकान बेचने को कह रहा, पैसे कम पड़ रहे, तू देवेगी? ओ भाई तू जा, हमारी बहस लड़ाई हो जाएगी। मगर कितने की है दुकान? दुकान दूंगा 3 लाख में, इससे कम नहीं है। भाई 2 लाख तो अब ले ले, और बाकी महीने बाद ले लियो। लूंगा नगद, उधार कुछ नहीं है। तू बोल रहा तो भतेरी है, 1 लाख अपनी माँ से ला के दे दे। माँ से क्यों ला दूँ, 1 लाख तो मेरे अकाउंट में पड़े, मैं ही दे दूंगी। तेरे पास कहाँ है 1 लाख पे? हमारी खुशकी ले रही है। नहीं माँ जी, मैंने आपसे पैसे बचाए, सूट लाई 100 का, आपको 1000 का बताया, नाज बेचा, भूस बेची, उपले बेचे, वर्सी बेची, उससे पैसे बचाए मैंने, 1 लाख रुपए जोड़ लिए। भाई मेरी बच्ची तो बड़ी अच्छी। मैंने सोचा जब हम कभी कारोबार के लिए कुछ खरीदेंगे उसमें कुछ पैसों का योगदान हो जाएगा, ले लो दुकान, हमारा कारोबार हो जाएगा। देखा माई हंसो कितनी अच्छी है। बेटी मैंने तुझे बहुत गलत समझा, तुझ पे शक करा, तू तो मेरी अच्छी बेटी है। कोई बात नहीं माँ जी, देखा मेरी बहू कितनी अच्छी है, मैं तो वैसे ही शक कर रही थी, और वो हो तो ऐसी। हाँ तो दोस्तों हमारी मूवी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताए। तो ये थी हसु की बहू कोर्चे वाली।